अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, हम निस्बत तनासुब इस सबक को पढ़ रहे हैं। इस सबक के तहत हमने निस्बत किसे कहते हैं और आपस में चीज़ों में तनासुब क्या होता है ये हमने सीख चुके हैं और रोज़मर्रा की कुछ मिसालों के ज़रिए भी हमने इसे देख लिया है। अब हम की मद कसर का इस्तेमाल करके निस्बत को मुख्तसर सूरत में लिखना सीखेंगे कि किस तरह से निस्बत को मुख्तसर सूरत में लिखते हैं, जिसके लिए हम पहले चीज़ों की निस्बत मालूम करना सीखेंगे। इसके लिए आइए हम किचन में आते हैं। किचन में बास्केट में कुछ फल रखे हुए हैं। इस तरह से उनकी तादाद का आपस में हम तनासुब देखते हैं। इस किचन में रखी हुई बास्केट में दो किस्म के फल रखे हुए हैं। गौर से देखिए, जैसे ऊपर है लीमू और नीचे है सेब। अब हम इनकी तादाद देखेंगे। लीमू की तादाद हम गिनेंगे, 1, 2, 3। 3 लीमू यहाँ रखे हुए हैं। उसी तरह से सेब की तादाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सेब यहाँ रखे हुए हैं। अब हमें इन सेब की और सेब की लीमू से निस्बत क्या है ये देखना है। हम सेब और लीमू की तादाद लिखेंगे। सेब है 6 और लीमू है 3। सेब की लीमू से निस्बत, सेब की तादाद और लीमू की तादाद, इनको हम बटे की सूरत में लिखेंगे। सेब की तादाद बटे लीमू की तादाद बराबर है 6/3 के। उसी तरह से अब हम लीमू की सेब से निस्बत मालूम करेंगे, यानी हम नसब नुमा में शुमार कुनिंदा में लीमू की तादाद लिखेंगे और नसब नुमा में सेब की तादाद लिखेंगे, 3/6। ये तो हुए दो चीज़ों में निस्बत, लेकिन यहाँ पर अगर दो से ज़ायद चीज़ें दी गई है तो हम किस तरह से दो दो चीज़ों की निस्बत मालूम करेंगे ये हम मिसाल के ज़रिए देखेंगे। इसी बास्केट में हम देखेंगे कि 3 किस्म के फल है, जाम, सेब और लीमू। यहाँ हम इनकी तादाद देखेंगे। जाम है 1, 2, 3 जाम। सेब की तादाद है 1, 2, 3, 4 और लीमू है 10। इस तरह से हमने तीनों की तादाद लिख दी है, जाम 3, सेब 4 और लीमू 10। अब हम इनमें से दो दो चीज़ें लेकर उनका दो दो फल लेकर उनका हम आपस में निस्बत देखेंगे। इनमें जाम और सेब की निस्बत 3/4 है। सेब और लीमू की निस्बत 4/10 है। यहाँ सेब 4 है और लीमू 10 है, इसलिए 4/10। जाम और लीमू की निस्बत क्या होगी, 10/3। यहाँ हमने तीन चीज़ों में से भी दो दो चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पर निस्बत देखे। अब हमें हम कीमत कसर में हम इन कसरों को, इन निस्बतों को हम कसर कीमत में कैसे तहवील करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली मिसाल में हमने ये देखा कि सेब की लीमू से निस्बत 6 है, निस्बत है 6/3, ठीक है। अब इस निस्बत को हम कीमत कसर में इस्तेमाल करेंगे। इसे मुख्तसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6/3 बराबर 6/3, 3/3, यानी 6 और 3 आपस में 3 से तकसीम होता है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को 3 से तकसीम करेंगे। हम इसको मुख्तसर कर रहे हैं, इसलिए हमें 3 से हम दोनों को नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2/1, यानी हमने 6/3 को हम मुख्तसरन 2/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से लीमू की सेब से निस्बत हमने देखे, लीमू की तादाद बटे सेब की तादाद, यानी 3/6 बराबर, यहाँ पर हम इसको मुख्तसर करने के लिए 3 से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को तकसीम करेंगे, 3/3 / 6/3 बराबर 1/2। ये हुआ 3/6 को हमने मुख्तसर करके 1/2 लिखा। इस तरह से हम कीमत कसर में तहवील कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी हम कीमत कसर का इस्तेमाल करके निस्बत को मुख्तसर सूरत में लिखकर उसकी मश्क करिए। अल्लाह हाफिज़।